विश्व प्रसिद्ध सरोवर नगरी नैनीताल में पर्यटन सीजन शुरू हो चुका है, लिहाजा पर्यटकों का आने का सिलसिला भी लगातार जारी है। उधर पुलिस ने भी पर्यटकों को परेशानी ना हो इसके लिए यातायात की व्यवस्था दुरुस्त रखने के लिए हल्द्वानी से नैनीताल तक सभी थाना चौकियों और यातायात पुलिस को विशेष एहतियात बरतने के निर्देश दिए हैं। पार्किंग से लेकर वाहनों के दबाव से निपटने के लिए पुख्ता तैयारी करने और किसी भी स्थिति में जाम जैसी असुविधा से निपटने के लिए तैयार रहने के लिए कहा गया है। इसके अलावा लोकसभा चुनाव के मद्देनजर लगातार हो रही चेकिंग और अन्य गतिविधियों में पर्यटकों को ज्यादा परेशानी ना हो इसके लिए भी पुलिस अधिकारियों ने दिशा निर्देश जारी किए हैं। हल्द्वानी से दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। देखिए, टूरिस्ट सीजन शुरू हो गया है, पिछले दो वीक से लगभग अच्छा खासा टूरिस्ट फ्लो में देखा है और चुनाव भी चल रहा है, तो सबसे पहले तो हम ये कोशिश कर रहे हैं कि जो चेकिंग फ्रेस जहाँ पे भी हो रही है वहाँ टूरिस्ट को ज़्यादा असुविधा नहीं हो, इसके लिए हमने निर्देश दिए गए हैं। साथ ही एक्स्ट्रा जो फोर्स है उसकी तैनाती भी हमने टूरिस्ट स्पॉट पर की है और जो हमारे CPO की और ट्रैफिक की जो टीम है वो भी इसमें लगी हुई है। जल्दी हम जो है जैसे ही चुनाव संपादित होते हैं उसके बाद में जो है और भी जो है फोर्स है उसको हम टूरिस्ट सीजन के लिए डिप्लॉय करें।